आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से हम करने वाले हैं कुछ सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के, यानी कि हिंदी से इंग्लिश बनाना हम सीख रहे हैं। आई होप पहले वाली वीडियोस जो है मैंने बनाई हैं इसके ऊपर आपके लिए यूजफुल साबित रही होंगी। तो आज भी हम करते हैं कुछ सेंटेंसेस। अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछना होगा, कुछ कहना होगा, कुछ भी अगर आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी ट्राई करती हूँ और करती भी रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर वन से। फर्स्ट सेंटेंस है, यह काम मेरे लिए मुश्किल है। कई बार कहते हैं ना, भाई ये काम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना। उसको दो तरीकों से बोल सकते हैं, दो क्या, तीन चार पांच तरीकों से बताऊंगी। जैसे कि एक तो ये हो सकता है, दिस वर्क इज डिफिकल्ट फॉर मी। ये काम मेरे लिए मुश्किल है, भाई ये काम मेरे लिए मुश्किल है। दिस वर्क इज डिफिकल्ट फॉर मी। ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। वेरी भी लगा सकते हो साथ में, ठीक है। या फिर दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी टू डू। दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी टू डू की बजाय वैसे तो फ्लो इसमें बनता है, दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन अगर आपको ये भी थोड़ा टफ लग रहा है तो ईजी में और बताती हूँ। जैसे सिंपली बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी। वर्क बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी, भाई ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, काम के लिए वर्क बोलने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी, या फिर दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, या फिर दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है। या फिर सिंपली दिस इज डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए बोल रहे हैं ना, मेरे लिए मुश्किल है, तो इसलिए फॉर मी लगाओगे तो अच्छा है ना। या फिर टू डू यहाँ पे मत बोलिए, दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, दिस इज डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे एक दो बारी, तो 15-20 बारी बोलोगे तो आपको अपने आप देखना आप फ्लो आ ही जाएगा। क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप प्रैक्टिस करो और नहीं आए, ठीक है। अगले सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कोई कहता है ना कि भैया ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो आप बोलते हो नहीं नहीं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये तो। तो उसके लिए क्या बोलना है, उसके लिए बोलना नो नो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। कैसे बोलना है, नो नो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। नहीं नहीं ये नहीं भी बोलना, नो नो नहीं भी बोलना तो भी ठीक है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। इट्स ये क्या है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है, इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। इट्स जब हम बोलते हैं ना तो शॉर्ट फॉर्म्स बोलते हैं ताकि फ्लो आए, ठीक है। तो नो नो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो आप बोलने की प्रैक्टिस करोगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं आए। आगे जैसे कि उसके अंकल दांत के डॉक्टर हैं, बोलते हैं उसके अंकल दांत के डॉक्टर हैं। हिज अंकल इज अ डेंटिस्ट। अगर वो बॉय है जिसके बारे में बताना है, अगर वो गर्ल है तो हर अंकल इज अ डेंटिस्ट। गर्ल के लिए हर लगता है, मतलब फीमेल मेंबर के लिए हर और मेल मेंबर के लिए हिज। हिज अंकल इज अ डेंटिस्ट, क्योंकि जो दांत के डॉक्टर होते हैं उनको बोलते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी बोलना है कि मैं एक दांत का डॉक्टर हूँ, तो आई एम ए डेंटिस्ट, है ना। अगर उसके लिए वह एक डेंटिस्ट है, वह एक दांत का डॉक्टर है, ही इज ए डेंटिस्ट। वह दांत की डॉक्टर है, लड़की के बारे में बोलना किसी फीमेल मेंबर के लिए, तो शी इज ए डेंटिस्ट, ठीक है। तो या फिर अगर आप बोलो कि आई विल गो टू सी ए डेंटिस्ट टुमारो, चलो इस तरह के सेंटेंसेस मैं बाद में कराऊंगी, अभी इतना सिंपल सा कर लीजिए कि उसके अंकल दांत के डॉक्टर है, कि वह, या फिर वह एक दांत का डॉक्टर है, वह एक दांत की डॉक्टर है, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आप पूछते हैं ना, आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है आज, तो कैसे बोलते हैं, व्हाट डे इज टुडे। आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज टुडे, इस तरह से पूछते हैं, व्हाट डे इज टुडे। अगर कोई नाम लेना है यहाँ पे तो वो भी बोल सकते हो, मनोज व्हाट डे इज टुडे, ठीक है, सानिया व्हाट डे इज टुडे, तो आज कौन सा दिन है। तो उसके लिए अगर आपको बताना होता है कि आज सोमवार है, आज मंगलवार है, बुधवार है, तो आप बोलोगे आज सोमवार है। अगर सोमवार है तो बोलोगे टुडे इज मंडे। ट्यूजडे तो टुडे इज ट्यूजडे, टुडे इज वेंसडे, टुडे इज थर्सडे, टुडे इज फ्राइडे। ओके, जो दिन होगा वो आपने बता देना है यहाँ पर। और कई बार हम पूछते हैं ना, कल कौन सा दिन था, कौन सा दिन था कल, तो उसके लिए आपने पूछना है अगर, तो इस तरह से बोलेंगे व्हाट डे वॉज यस्टरडे। क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन मार्क लिखने में तो लगेगा, बोलते वक्त भी आपके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन आना चाहिए, ठीक है। व्हाट डे वॉज यस्टरडे, व्हाट डे वॉज यस्टरडे, तो जैसे यहाँ पे लिखा ना टुडे इज मंडे, तो उसमें आएगा आंसर यस्टरडे वॉज, ठीक है, पहले यस्टरडे फिर वॉज, तो यस्टरडे वॉज मंडे, कल मंडे था, कल सोमवार था तो यस्टरडे वॉज मंडे, कल ट्यूजडे था, कल ट्यूजडे था, यस्टरडे वॉज ट्यूजडे, ठीक है, कल सैटरडे था, यस्टरडे वॉज सैटरडे, ठीक है। तो कल कौन सा दिन था उसका आंसर भी बता दिया, आज कौन सा दिन है इसका आंसर भी बता दिया। और आई होप आज का वीडियो जो है आपको ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा, आपको वैल्यू कुछ ऐड हुई होगी आपकी लाइफ में। अगर आपका आंसर यस में, तो क्या करना है, लाइक के बटन को प्रेस करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर
आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। नॉलेज बढ़ेगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आप आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।